नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर। आप सभी देख रहे हैं मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। तो आज का जो वीडियो है ये है एडी कोड के ऊपर। इस वीडियो के बाद आपको एडी कोड से रिलेटेड जितनी कन्फ्यूजन है और जितनी मिसकंसेप्शन है ना, सारी की सारी मैं दूर कर दूंगा। तो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आप एडी कोड को कस्टम्स के साथ बिना किसी पैसे के, बिना किसी मिडलमैन को हायर करे हुए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और फिर एक्सपोर्ट अपना शुरू कर सकते हैं, आपको जिस भी पोर्ट से एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन को तो जरूर दबाना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस तरह की नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कस्टम्स, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट लाता रहता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एडी कोड है क्या। एडी कोड आप पूछेंगे कि एडी कोड है क्या। देखिए, एडी कोड कुछ नहीं होता, एक 14 डिजिट का नंबर होता है जो आपको आपके बैंक अकाउंट, जिस बैंक अकाउंट में, जिस भी बैंक में आपने अपना करंट अकाउंट खोल रखा है, उस बैंक के थ्रू आपको एक 14 डिजिट का कोड मिलता है जो कि एडी कोड कहलाता है। अब एडी कोड मिलता कैसे है, एडी कोड कुछ भी नहीं होता। आपने जिस भी बैंक में अपना करंट अकाउंट खोल रखा है, उस बैंक में जाके बोलना होता है कि मेरे को एडी कोड चाहिए इस ब्रांच का, तो वो आपको लेटर हेड पे एक कोड लिख के देते हैं। बैंक के लेटर हेड पे जो बैंक से स्टैम्प साइन होता है, उस पर एडी कोड आपका मेंशन होता है। तो एडी कोड इतना ज़रूरी क्यों है। एडी कोड देखिए, एडी कोड ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बिना एडी कोड के आपका शिपिंग बिल ही जनरेट नहीं होगा। इंपोर्ट के केस में क्या होता है कि एडी कोड को रजिस्टर कराने की सेपरेटली जरूरत नहीं पड़ती, बट एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है कि आपको एडी कोड को जिस भी पोर्ट से आपको एक्सपोर्ट करना है, उस पोर्ट में मैनुअली या ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है सेपरेटली। ये एक सेपरेट प्रोसेस है, एक सेपरेट स्टेप है जो कि आपको एक्सपोर्ट से पहले करना मैंडेटरी है, वरना उसके अलावा आपका शिपिंग बिल ही जनरेट नहीं होगा। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, एडी कोड आपको रजिस्टर करना कहाँ पर है। तो फॉर एग्जांपल, दिल्ली में तीन पोर्ट हैं और तीनों में से जैसे तुगलकाबाद पोर्ट हो गया, बड़बड़गंज पोर्ट हो गया और दिल्ली एयरपोर्ट हो गया। अब सपोज़ आपको दिल्ली के तुगलकाबाद पोर्ट से एक्सपोर्ट करना है, तो आपको दिल्ली के तुगलकाबाद पोर्ट में अपना एडी कोड रजिस्टर कराना पड़ेगा वाया ऑनलाइन और वाया अपने कस्टम हाउस एजेंट। अब सपोज़ आपको दिल्ली एयरपोर्ट से भी एक्सपोर्ट करना है, तो आपको सेपरेटली अपना एडी कोड दिल्ली एयरपोर्ट पे भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। आपको जितने पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया के, उन सारे पोर्ट्स पे अलग अलग आपको सेम एडी कोड रजिस्टर कराना पड़ेगा अलग से। एडी कोड इतना ज़रूरी है क्यों। इंपोर्ट के केस में तो एडी कोड की जरूरत नहीं पड़ती, इंपोर्ट के केस में अलग से रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, एडी कोड की जरूरत इंपोर्ट में भी पड़ती है, बट उसको अलग से रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक्सपोर्ट में उसको अलग से रजिस्टर कराने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, ये है कि ये एक मैंडेटरी रूल है फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट कि आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो आपको अपना एडी कोड सेपरेटली रजिस्टर कराना पड़ेगा विद कस्टम्स वाया ऑनलाइन और वाया योर कस्टम हाउस एजेंट। उसके बगैर आपका शिपिंग बिल नंबर ही जनरेट नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कि ये एक्सपोर्ट के केस में ऐसे क्यों और इंपोर्ट के केस में ये अलग से क्यों। क्योंकि एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है कि आपको ड्रॉबैक और अलग अलग स्कीम्स होती हैं जो आपके बैंक में डायरेक्ट हिट करती हैं, तो उसके लिए आपको एडी कोड अलग से रजिस्टर कराने की ज़रूरत पड़ती है कस्टम्स के साथ। तो अब एडी कोड आपको मिलेगा किस तरीके से, मतलब बैंक में कोई फॉर्मेलिटी है कि क्या है। देखिए कि एडी कोड एक रियल टाइम में आपको मिल जाता है। आप अगर अपने बैंकर को बोलेंगे, जो भी वहाँ पे आपका कस्टमर सपोर्ट है या जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है या जो भी आपका कंसर्न बंदा है वहाँ पे, उसको बोलेंगे कि मेरे को एडी कोड चाहिए, तो वो अपने कुछ नहीं कहता, अपने बैंक के लेटर हेड पे एडी कोड का उनके पास फॉर्मेट सेट होता है, और एडी कोड तो एक ब्रांच का एक ही होता है, तो वो आपको लेटर हेड पे प्रिंट करके दे देता है विद बैंक स्टैम्प एंड साइन। तो ये तो हो गया कि एडी कोड का आपको मिलेगा कैसे, एडी कोड होता क्या है, एडी कोड को कहाँ कहाँ रजिस्टर कराने की जरूरत पड़ती है। अब एडी कोड को रजिस्टर करना कैसे है कस्टम्स के साथ, तो देखिए उसके दो तरीके। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता, मेरे ख्याल नवंबर सितंबर में ही, सितंबर के अराउंड ये ऑनलाइन कर दिया गया था। इससे पहले कंप्लीट मैनुअल था, ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं था, पर सितंबर या उससे पहले वाले महीने में मेरे ख्याल ऑनलाइन कंप्लीट कर दिया गया था। उसका पीडीएफ में आपको जो है इसको किस तरीके से करना होता है, उसका पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा नीचे लिंक में, कि स्टेप बाय स्टेप जो सरकारी पीडीएफ है, जो आईसीगेट की तरफ से पीडीएफ आता है हमारे पास, जो हम कस्टमर हाउस एजेंट है तो हमारे पास जो पीडीएफ आता है एग्जैक्टली वही मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑनलाइन कैसे करते हैं आप, ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन करने के लिए आपको दो तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट्स तो जो आपको ऑफलाइन चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए ऑनलाइन अपलोड करने के लिए। उसमें ऑनलाइन में क्या है कि आपको एक डिजिटल सिग्नेचर की भी ज़रूरत पड़ती है, क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, जिसकी कॉस्ट अराउंड मेरे ख्याल 3,500-4,000 रुपये की आती है। और ऑनलाइन में क्या है, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ एज अ CHA, क्योंकि मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस एडी को रजिस्टर कराता हूँ कस्टम्स के साथ मैनुअली, ऑब्वियसली मैनुअली कराता हूँ, जो कि रियल टाइम में हो जाता है हमारा, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे में हो जाता है। तो मोस्टली कस्टमर्स अभी के टाइम में तो यही करते हैं ऑनलाइन आने के बाद भी, क्योंकि ऑनलाइन का प्रोसीजर जो है वो थोड़ा लंबा है, और अगर मैं ऑनलाइन का प्रोसीजर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो ऑनलाइन वाला जो वीडियो है वो किसी और का है, एक्चुअली मैंने नहीं बनाया था, वो किसी CA का है, वो मैं नीचे डाल दूंगा। और मैनुअली में क्या होता है कि मैनुअली में मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको दे दूंगा यहाँ स्क्रीन पर, या यहाँ स्क्रीन पर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिख जाएगी, जो डॉक्यूमेंट जनरली जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो मेरे को भेजते हैं, मैं उसको ले जाके कस्टम्स में मैनुअली रजिस्टर करा देता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट रियल टाइम में एक दिन में आधे दिन में हो जाता है।
और नेक्स्ट डे से ही वो पेपर की फाइलिंग शुरू हो जाती है, मतलब एक्सपोर्ट शिपिंग बिल जनरेट होना शुरू हो जाता है जो भी कंसर्न क्लाइंट है उसके लिए। तो ऑनलाइन का प्रोसीजर एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा एरर ज़्यादा आता है। जनरली लोग ऑनलाइन करने के बाद भी मैनुअल को ही ऑप्ट करते हैं क्योंकि ऑनलाइन हो ही नहीं पाता, और कई लोग टाइम बचाने के लिए और एफर्ट बचाने के लिए वो डिजिटल सिग्नेचर आपको खरीदना है, जितने का डिजिटल सिग्नेचर खरीदेंगे आप उतने का तो मैनुअली रजिस्टर करा देगा आपका CHA। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ऑनलाइन का प्रोसीजर एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, और मोस्टली केसेस में क्या होता है कि एक लास्ट मोमेंट पर जाके एरर आ जाता है तो फिर आपको फिर वो ले दे के मैनुअली ही कराना पड़ता है। और मैनुअली में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेरे को देने होते हैं सेंड स्टैम्प करके, मेरे को या जो भी आपका कस्टमर एजेंट है उसको, और वो ऑलमोस्ट रियल टाइम में पोर्ट पे, जिस भी पोर्ट में, जिस भी पोर्ट से आपका एक्सपोर्ट होना है उस पोर्ट पे वो आपका कस्टमर एजेंट, या मैं दिल्ली में हूँ तो मैं भी करता हूँ, मैं रेगुलर बेसिस पर करता हूँ, खुद यहाँ CHA और फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट है, तो हम ऑलमोस्ट रियल टाइम मतलब आधे दिन में आपका AD को रजिस्टर हो जाता है। वही अगर आप ऑनलाइन जाएंगे एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, तो मैं नहीं कहता कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लोग कर रहे हैं, बट 70 to 80% बंदों का इस टाइम पर नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो आपको एक डिजिटल सिग्नेचर खरीदना पड़ेगा, क्लास 3 का होना चाहिए, उसमें आपकी अलग कॉस्टिंग आएगी, प्लस आपको जो एफर्ट लगाना पड़ेगा, एरर आएगा, डॉक्यूमेंट्स ई संचित के थ्रू अपलोड करना पड़ेगा, वो एक बहुत बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो था जो AD कोड पर था। AD कोड कुछ भी नहीं होता, 14 डिजिट का कोड होता है जिस जो आपको कस्टम्स के साथ रजिस्टर कराना पड़ता है बिफोर एक्सपोर्ट, क्योंकि आपको कस्टम्स के साथ जो भी ड्रॉबैक और जो भी स्कीम्स मिलता है वो डायरेक्ट आपको बैंक को हिट करता है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, इस वजह से ये मैंडेटरी होता है, इसके बिना आप शिपिंग बिल को जनरेट नहीं कर सकते। तो ये पूरा का पूरा AD कोड का सिनेरियो था। आई होप कि आपको AD कोड से रिलेटेड सारी क्वेरी क्लियर हो गई होगी। बहुत बड़ा हुआ कोई नहीं है, ये जनरल सी चीज़ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस चैनल पर डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।